एक फंक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो सकते हैं या कितने आर्गुमेंट पास किए जा सकते हैं। अच्छा, आमतौर पे इसकी कोई लिमिट तो नहीं होती, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई, ये तो हमने देखा कि अगर जितने पैरामीटर्स हैं उससे एक भी आर्गुमेंट जो है वो कम या ज़्यादा होता है तो फंक्शन जो है वो एरर दे देता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन बना लेते हैं पिज्ज़ा ऑर्डर का। अब ये क्या करता है, ये ऑर्डर करते वक्त हमसे साइज पूछेगा, फ्लेवर पूछेगा और टॉपिंग्स। ये आपको तीन चीज़ें जो है वो ऑर्डर करते हुए बतानी पड़ेंगी। फिर फाइनली क्या होगा कि आपका ये ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद एक मैसेज जनरेट करना है कि योर ऑर्डर फॉर पिज्जा विद पिज्जा ऑफ साइज, मैं आपका साइज आ जाएगा पिज्जा का, एंड फ्लेवर मैं आपके पास फ्लेवर आ जाएगा, एंड टॉपिंग्स टॉपिंग्स आ जाएगा। इज रेडी। तो अब ये फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तो आपके पास ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है हमने। साइज हमने कहा जी 12 इंचेस, ठीक है। फ्लेवर हमने कहा जी चिकन स्ट्रिंग होगा, उसके बाद अब यहाँ पर इश्यू ये है कि टॉपिंग्स जो हैं वो हमें पता है एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर यूज़र यहाँ एक टॉपिंग डालता है, ठीक है, तो ये टॉपिंग का वेरिएबल जो है वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, राइट, बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ चॉइस ऑफ टॉपिंग्स में से अगर यूज़र को कई और टॉपिंग्स देनी है तो अब इशू ये है कि अगर ये टॉपिंग्स लगाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी कि ये एक पोजिशनल आर्गुमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और आपके पास एरर जनरेट हो जाएगा। अब करना ये है कि जहाँ पर यूज़र को चॉइसेस दी जा रही हैं कि वो इनपुट जो है वो सिलेक्ट कर सके, और हमें इस बारे में पता नहीं है कि वो कितने इनपुट उस जगह पे करेगा, कि टॉपिंग्स की लिस्ट में से वो एक टॉपिंग बोलेगा, पांच टॉपिंग बोलेगा, दो या सारी बोलेगा, कुछ पता नहीं है। तो अब इसको मैनेज करने के लिए हम यहाँ पर टॉपिंग्स के साथ एक स्टार यूज़ कर लेते हैं, स्टैरिक। ये क्या करता है, ये एक ऐसा पैरामीटर बन गया है जो डील करता है विद आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स, डील्स विद आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स। यानी कि अब अगर इस दो तो पोजिशनल हो जाएंगे, लेकिन तीसरे में अगर किसी ने सिंगल वैल्यू डाली, एक वैल्यू डाली या बहुत सारी वैल्यूज डाली, तो वो सारी की सारी वैल्यूज जो है वो इस टॉपिंग के अंदर जो है वो शामिल हो जाएंगी। अब देखते हैं किस फॉर्म में शामिल होती। इसको हमने एग्जीक्यूट किया
ये देखें, तो टॉपिंग्स जब दो डाली गई तो वो दो भी इसमें चली गई। हम इसके अंदर और टॉपिंग्स कर लेते हैं, ये हमने टॉपिंग्स कर दी इसको। अभी जितनी भी ऐड होंगी उस वेरिएबल के अंदर जो लास्ट में है, तो ये सारी वैल्यूज इसके अंदर किस फॉर्म में आ रही है, टपल की फॉर्म में ऐड होती चली जा रही। तो इस तरह से अगर यूज़र ज़्यादा वैल्यूज देना चाह रहा है और आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आपको पता नहीं है कि यूज़र जो है वो कितनी वैल्यूज़ यहाँ असाइन कर सकता है, तो फिर आपको ये आर्बिट्रेरी एक पैरामीटर जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा, ये आर्बिट्रेरी पैरामीटर भी जो है वो लास्ट में होना चाहिए। अगर ये दरमियान में डालेंगे एरर तो नहीं आएगा, लेकिन फिर फ्लेवर वाली चीज़ भी जो है वो टॉपिंग्स के अंदर चली जाएगी, और जितनी भी चीज़ें होंगी वन के बाद वो सारी की सारी टॉपिंग्स में चली जाएंगी, सब कंज्यूम हो जाएंगी। तो ये टॉपिंग्स का जो एस्टेरिक के साथ आपने पैरामीटर बनाया, ये लास्ट में होना चाहिए। तो इस तरह हम आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो डील कर सकते हैं। इसकी हेडिंग बना लेते हैं, इस तरह।